नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलक पांडे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिंदगी बहुत ट्रैक से छूट चुकी है, एग्जाम बहुत क्लोज है, कैसे ट्रैक पे आना है। अब यहां से मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप्स बताऊंगा, एकदम दिल पे हाथ रख के उसको सच्चाई से फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम और सबसे पहली चीज है किसी भी काम के लिए उस काम की प्लानिंग, और प्लानिंग का रिलेशन है टाइम मैनेजमेंट से। अब ऐसा भी मत करना कि एक महीने का प्लान पूरा बना लिया। एक महीने का बनाओ तो थोड़ा सा रफ प्लान। रोज का प्लान रोज बनाओ, रोज सुबह उठो, आज का प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करना है साहब। और उसमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वो प्लान फर्जी नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि 2 घंटे में ये चीज खत्म हो सकती है कि नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर दिन मुझको अपने पिछले दिन से ज्यादा काम करना है, करना है तो करना है तो करना है तो करना है। मेरे ऊपर किसी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जब महीने का प्लान बनाते हैं लगता है टारगेट अचीव हो गया, खत्म, आज के दिन का काम खत्म नहीं। कल अगर मैंने इतना काम किया है तो आज इतना काम करूंगा, कल अगर मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो 8 चैप्टर करूंगा। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है या दूसरी जो मैं बात बताऊंगा वो है प्रोकैस्टिनेशन की, अपने काम को टाल देने की आदत की। इसे कल से कर लेंगे, आज तो शाम हो गई, अब कल सुबह नई शुरुआत होगी मेरे जिंदगी की। टुमारो विल बी अ न्यू बिगनिंग ऑफ माई होल लाइफ, और कल से सब चीजें स्टार्ट होगी। अब आपने इसमें किया क्या? आपने किया क्या? अपने दिमाग को आपने एक सिग्नल भेजा, अपने दिमाग को आपने एक सिग्नल भेजा कि ये काम बहुत टफ है, ये काम बहुत टफ है, ये मुझसे 800 हो नहीं पा रहा है, इसको कल से शुरू करेंगे। अब वो इजी सी चीज हार्ड बन गई। जब आप काम को टालते जाते हो ना तो दिमाग को भी लगता है ये काम तो टफ होगा, इसको बंदा टाल रहा है बार बार या बंदी टाल रही है बार बार, वो सोच रहा है इसको कल करेंगे या सोच रही है कल करेंगे। तो जब भी किसी काम को आप प्रोकैस्टिनेट करते हो, आगे टालते हो, कल करेंगे, वो काम टफ होता जाता है, आपके दिमाग में प्रेशर बनता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की चीज आज, आज की चीज अभी, समय आ गया। तो ये तो 2 बातें हुई कि प्लान किया और चीजों को टालना बंद करना है, और तीसरी बात आती है कि सर ठीक है हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, कहानी स्टार्ट हो गई है, सर 1 घंटा पढ़ते हैं फिर मन करना बंद कर देता है, 2 घंटा पढ़ते हैं फिर मन करना बंद कर देता है। मतलब प्रॉब्लम यह कि सर हैबिट कैसे बनेगी लंबे लंबे टाइम तक बैठकर पढ़ने की। अब आज इसमें मैं आपसे थोड़ा सा खुल के बातें करूंगा क्योंकि आप भी काफी बड़े हैं। तो मेरा एक जूनियर था कॉलेज में, तो उसको स्मोकिंग की बहुत गंदी हैबिट थी, बहुत गंदी। तो मैंने उससे पूछा कि ये हैबिट स्मोकिंग की कैसे लग गई यार, तुम कैसे एक दिन में इतनी इतनी सिगरेट्स कैसे पी रहे हो, है ना, कैसे चल रहा है ये? तो उसने बोला कि सर एक बार एक दोस्त ने पिलाई थी, फिर मैंने एक बार कहा चलो खुद से ट्राई करते हैं, फिर एक दिन मैंने कहा सोचा चलो 2 पीते हैं, फिर एक दिन मैंने सोचा चलो आज 3 पीते हैं, और करते 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 सर हैबिट बन गई। तो सिगरेट नहीं पीना है, ये तो सोल्यूशन नहीं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किसी भी चीज की हैबिट करते करते लगती है। आप सोचोगे मैं कल सुबह उठूंगा 8 घंटा पढ़ लूंगा, कल खूब ज्यादा तैयारी नहीं होगा। अगर तुम कल स्टार्ट करोगे ना तो कल तुम हो सकता हो 3 घंटा पढ़ो, अगले दिन 3.5। मैंने बोला ना रोज पिछले दिन से बेटर। तो हैबिट किसी भी चीज की एक दिन में नहीं पड़ती, और अगर नहीं पड़ रही है हैबिट तो टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को याद दिलाना है कि एक दिन में हैबिट को, ढेर सारे समय तक पढ़ाई करते रहने की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए ईच डे विल मैटर। जिस दिन से शुरू करोगे वहां से आपको करीब 5-6 दिन 1 हफ्ता लग जाएगा जब आपकी एक बढ़िया हैबिट बनेगी, और ये हैबिट आपको आगे भी काम देगी, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं आगे के लिए भी काम देगी। तो 3 बातें हो गई कि प्लान होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और चीजों को टालना नहीं है, और हैबिट बननी है जिसमें टाइम लगेगा, और हैबिट बनाने के लिए रोज एफर्ट खुद से डालना पड़ेगा। 4th बात है आपकी कर्म भूमि, जिसको आप अभी बोलोगे इंग्लिश में स्टडी स्पेस। कई लोग हैं रजाई ओढ़ के साइड में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में मोबाइल चला रहे हैं, बगल से टीवी चल रहा है, बगल में कोई बातें कर रहा है, मतलब सारी चीजें चल रही हैं। यहां पे पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है, आपका एक स्टडी स्पेस होना चाहिए कि स्टडी टेबल हो, एक चेयर हो, नहीं
जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, बढ़िया टेबल, बढ़िया चेयर, कोई भी हो सकती है। आपका एक कोना हो घर पे जहां पे आप पढ़ाई करोगे, एक जगह हो जहां आते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगे कि ये जगह तो मेरे पढ़ाई करने की है, यहां तो मुझे पढ़ाई करनी है। कई बार होता है उस जगह पे हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो ठीक है अपनी एक अल्टरनेट जगह भी डिसाइड रखो कि यहां बैठ के क्रिकेट मैच खेलना है तो उसके लिए पिच पे जाना पड़ेगा, तो पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल पे बैठ कर कमर सीधी कर कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो लेट कर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, नींद आएगी, नींद। एक पांचवा और आखिरी पॉइंट या आखिरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि शायद इन सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट होना। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे ना तो दिमाग हमेशा एक्सक्यूज देगा, प्रोकेस्टिनेशन, वही एक्सक्यूज, चलो इस काम को कल कर लेंगे, चलो इस काम को बाद में कर लेंगे, नेगेटिविटी दिमाग में आएगी। देखो तुमको मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये अगले 24 घंटे तक तुम्हारे दिमाग में रहेगी, उसके बाद उड़ने लगेगी। शैतान भी तो बहुत है तुम्हारे अगल बगल, जितनी भी गंदी सोच है, नेगेटिविटी, वो शैतान है। द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, द डे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ, द डे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ is the day that you have made it. Stop making excuses. Take responsibility of yourself with a positive mindset. वो excuses ना शैतान दे रहा है, तुम्हारे दिमाग की negativity है जो excuses लेके आती है। तो एक positive mindset होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा मैं बताता हूं। अपनी diet पे ध्यान दो, उल्टी सीधी चीजें exam के वक्त मत खाओ कि मतलब खूब ढेर सारा जंक फूड खा रहे हैं, उससे नींद आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। टाइमली अपने खाने को रखो, रेगुलेट करो, एक्सरसाइज कर सकते हो तो एक्सरसाइज करो, नहीं कर सकते हो तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, शाम पे खाने के बाद एक बार वॉक कर लो। मतलब अपने आप को फिजिकली भी फिट रखोगे तभी मेंटली फिट रहोगे। पॉजिटिविटी इन्हीं सब चीजों से आएगी, पर ये पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। भाई हेल्थ इज वेल्थ, वरना जितनी चीजें ये सब कर रहे हो सब बेकार है। अगर दिमाग ही खराब हो रहा है, रात में नींद ही नहीं आ रही, सर में इक्वेशंस घूम रही हैं, तो ये सब करना किसी भी वर्थ का नहीं होगा।